नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, चल रही हूँ एक बढ़िया सी रेसिपी आप सबको बना के दिखाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो अंजलि बीच में बोल रही है। तो दोस्तों, हमने आलू लिया है, तो आलू को काट लेते हैं। तो इसी तरह आलू को काटना है और हम आलू को उबालेंगे दोस्तों, और पालक का जो साग है उसको भी उबालना है, तो साथ में हम उबाल देंगे। और कढ़ाई को हम रख दिए हैं चूल्हे पे। तो दोस्तों, हम ये पालक को बिचार के रखे हैं दोस्तों, साफ करके बिचार के बोलते हैं, और अब तोड़ रहे हैं। तो पालक का ये जड़ होता है दोस्तों, वो पालक सहित है, तो पालक को भी उबालेंगे दोस्तों और आलू को भी उबालेंगे, और हम अलग तरीके के ये रेसिपी बनाएंगे और बहुत अच्छा बनता है दोस्तों। आप भी बनाना कभी, और क्या आप बनाते हो इस तरह, तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, हम ये पालक का साग, दोस्तों बोलने में डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आवाज आता है, तो पालक का साग हम काट के कढ़ाई में रख देते हैं उबलने के लिए और ढक के पकाएंगे। तो आलू और ये पालक साथ में उबलेगा, तब तक हम टमाटर को काट लेते हैं। तो हमने दो टमाटर लिया है, तो इसको पीसना पड़ेगा टमाटर को, तो टमाटर को हम काट लेते हैं। और दोस्तों, चैनल वाली दीदी से थोड़े बात का शिकायत है, दीदी प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप सब वीडियो देखते ही नहीं, एक ही सेकंड में जैसे हम वीडियो पोस्ट करते हैं तुरंत कमेंट आ जाता है, जो वही टाइटल मैं डाल के रखती हूँ, जो रेसिपी बनाती हूँ बस वही टाइटल लिख करके, और आप सब कमेंट कर देते हो, तो ऐसा ना कीजिएगा। तो यही सब बात मैं बताना चाहती थी। और जिसका चैनल जिस भैया दीदी का नहीं होता, वो पूरा वीडियो देखकर कभी कमेंट करते हैं, और आप सब इतना जल्दीबाजी कमेंट कर देते हो, तो वीडियो स्पैम में चला जाता है, वो कमेंट जो है आप सब करते हो, तो आप ऐसा ना कीजिए प्लीज, मैं आपसे यही बात बताना चाहती थी। तो चलती हूँ, टमाटर को हम पीस लेते हैं सिलबट्टे। तो हम लहसुन को छील लिए हैं, और ये हरा मिर्च लिए हैं, टमाटर लिए हैं, तो अभी जो मैं पालक उबालने के लिए रखे हैं उसको ले चलते हैं, उसको भी पीसना पड़ेगा, और आलू तो नहीं पीसना पड़ेगा, वैसे उसको जिस तरह सब्जी रहेगा वैसे बनता है, उसी तरह आलू रहेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पालक हमने उबाल लिया है, आलू अभी उबल रहा है, तो चलती हूँ सिलबट्टे से पीस लेती हूँ। दोस्तों, हमने पहले लहसुन और मिर्चे को पीसेंगे। टमाटर को पीस लेते हैं। तो सिलबट्टे से पीसने में काफी टाइम भी लगता है दोस्तों। ये है, अब ये पालक को भी पीस लेते हैं। तो इसको बारीक पीसना है दोस्तों, मोटा नहीं पीसना है। तो सिलबट्टे से हम यहाँ अब निकाल लेते हैं सिल से। तो हमने पीस लिया सभी को, और थोड़ा गिर गया नीचे। तो दोस्तों, हम सब्जी के तड़के के लिए ये थोड़ा छोटा सा प्याज है दोस्तों, प्याज नहीं है घर पे, और काफी समय प्याज आलू बहुत महंगा बिक रहा है हमारे यहाँ। तो आलू तो 40 रुपये किलो है और प्याज 80 रुपये किलो यहाँ मिल रहा है। अंजलि सीधा बैठो, अच्छा काम नहीं कर रही हो, नमस्ते कर दो, टाटा कर दो। हाय टाटा, नमस्ते। हाँ, नमस्ते बाद में करेंगे, हाय टाटा पहले होगा। हाँ, हो गया, अब बैठो तो सही शांति से। तो ये आज खुरापात कर रही इधर उधर अंजलि।
शांति से बैठ जाओ। तो हम तड़के के लिए काट रहे हैं दोस्तों, लहसुन लिया है थोड़ा सा और ये हरा मिर्च लिया है, इसको भी काट देते हैं। तो दोस्तों आलू पक चुका है, अब आलू को निकाल लेते हैं कढ़ाई से। तो दोस्तों हम आलू को छील चुके हैं, अब आलू को तोड़ देते हैं। पहले हम इसमें तेल डाल देते हैं और तड़का डाल देते हैं कढ़ाई में, और धुआं भी हो रहा है दोस्तों काफी, बोलने में डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हम तेल को डाल देते हैं, तब तक तड़का हमारा ये भून उठे। तो ये हमने तेज पत्ता लिया है, हमारे यहाँ तेज पत्ता कहते हैं, तो इसको भी तड़के में डाल देती हूँ। और ये आलू अभी जल रहा है, तो हम करछुल के ये सहायते से आलू को हम तोड़ लेती हूँ। तो हम ज़्यादा छोटा नहीं तोड़ेंगे, थोड़ा बड़ा ही रहेगा, नहीं आप सब तो बोलोगे कि इतना बड़ा नहीं संगीता जी। तो हम बड़ा ही इसमें जब भी बनाते हैं तो बड़ा बड़ा सा ऐसे बनाते हैं। और जल भी रहा है, दोस्तों हमने सभी प्रकार के मसाले मिक्स कढ़ाई में डाल देते हैं और भून लेते हैं पहले, और चलाते रहेंगे ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। तो दोस्तों मसाला हमारा भून चुका है, अब ये जो हमने पीस के सभी पेस्ट रखे थे पालक और टमाटर, इसको भी डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से पकाना है दोस्तों। तो इसी तरह चलाते रहेंगे, तो इसको चलाते रहना है। और दोस्तों तेल का कमी था थोड़ा, तो आप इसमें तेल इस तरह के बनाना, तो तेल ज़्यादा डालना। और तो दोस्तों इसको चलाते रहना है, और तेल आप ज़्यादा ले लेना दोस्तों, क्योंकि आज हमारा ये तेल ख़त्म हो गया है, तो कल हम लेकर आएंगे, तो कम ही तेल में बना रहे हैं। तो गुंजन नमस्ते करो। तो एक मिताली दीदी ने बताए भी हैं कमेंट करके कि गुंजन को बुलाया कीजिए संगीता जी। तो गुंजन को तो कहते हैं बोलने के लिए, लेकिन ये बहुत धीमे में बोलती है, तो थोड़ा तेज बोलो गुंजन। नमस्ते करो। हाँ अंजलि तो कर लेती है दोस्तों, लेकिन गुंजन नहीं कर पाती है, लेकिन धीरे धीरे ये भी सीख जाएंगी। तो दोस्तों हम नजदीक से दिखाओ चंदन, आलू को भी डाल देते हैं और सभी को अच्छी तरह से आलू में मिला देते हैं। तो इस तरह से बनाने से बहुत अच्छा बनता है दोस्तों। तो अब इसमें हम डालेंगे नमक, तो आप भी अपने घर पे जरूर एक बार बनाना। तो हम इसमें मिलाएंगे नमक अब, तो चलाते रहना है हमें इसको। तो दोस्तों थोड़ा इसमें मिस्टेक भी होगा, थोड़ा आवाज भी आता होगा आसपास का, तो इसके लिए क्षमा करना दोस्तों। दोस्तों हम इसमें पानी डाल दिए हैं, थोड़ा और डाल देते हैं, और नमक भी डाल दिए हैं। तो दोस्तों सब्जी हमारी बन चुकी है, अब इसको उतारने जा रहे हैं और गुंजन अंजलि खाने जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं अंजलि किस तरह गुंजन को इसी तरह करती है। हमारी बन चुकी है, अब इसको उतार लेते हैं। तो दोस्तों हम खाना सभी बच्चे को निकाल देते हैं, और आप सब भी आकर खा लीजिए। तो अंजलि इधर बैठी हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह सब्जी हमारा बनके तैयार हुआ है। दोस्तों सभी बच्चों को हम रोटी दे देते हैं, तो खाओ गुंजन, खाओ अंजलि। नमस्कार दोस्तों, आप सब भी आकर खा लीजिए। तो दोस्तों चंदन आप सबको बुला रहा है, तो गुंजन भी बोल रही है।
तो अभी जल रहा है अंजलि, सब्जी रोटी खाओ। अच्छा बना है अंजलि, अभी खाई नहीं सब्जी तो कैसे पूछ रहे हो चंदन। तो आलू का सब्जी बना है दोस्तों, तो ये खाएगी अंजलि, आलू की सब्जी बहुत अच्छा लगता है इसको। तो अच्छा बना है? हाँ। बहुत अच्छा बना है। हाँ। अच्छा अच्छा हो गया, अब रहने दो। नमस्ते कितना बार करोगे, नहीं तो दीदियां बोलेंगी कि अंजलि कितना बार नमस्ते करती है। तो अच्छा बना है खाना? हाँ। बहुत अच्छा। अच्छा तो सवेरे काओ काओ खाए रही हूँ चाय और काओ गुल्ला और काओ चाय और गुल्ला। तो अच्छा बना है चंदन। तू बताओ गुंजन। अच्छा बना है। अच्छा बना है। दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों लाइक करने के लिए चंदन बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये सब खाना खा चुके हैं, चंदन तो जल्दी जल्दी खाते हैं, और अभी तो अंजलि नहीं खाई है, गुंजन भी नहीं खाई है। हम जल्दी से आए नहीं खाए थे। अच्छा अंजलि बोल रही है हम जल्दी से खाई थे, तो खाना तो जल्दी नहीं खा पाए हो। दोस्तों हम खा चुके हैं। तो चंदन खाना खा चुके हैं और अंजलि गुंजन खा रही हैं। तो दोस्तों ये रेसिपी आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और जो ऐड आ रहा है दोस्तों जिसे प्रचार कहते हैं, तो उसको स्किप करके मतलब भगा कर मत देखना प्लीज दोस्तों, उसको पूरा देखना, तभी हमारा कुछ आप सब मदद सपोर्ट कर पाएंगे। तो यही आप सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ। और हमें पता भी नहीं था दोस्तों, कल वाले वीडियो में एक दीदी कमेंट किए हैं, वो बोले हैं कि आप सबको हेल्प और मदद संगीता जी का करना है, तो आप ऐड को भगा कर मत देखो सभी। तो आप सबसे वही बात बता रही हूँ, और हमें पता भी चला, तो आप कल वाला कमेंट देख लेना दीदी का, उनका नाम नहीं आ रहा हमें याद, नहीं तो जरूर बताती, और कल वाले वीडियो में बताऊंगी उनका नाम पढ़ के। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।